सानवी कहाँ गई थी बेटा? कन्या भोजन में क्या कन्या क्या खाई? बोलो बोलो, क्यूटी लग रही है सानू रे। क्या क्या खाई बोलो बेटा, क्या क्या खाई? जो खाई बोलो ना, क्या क्या खाए? हाँ, और पूरा खाए? अरे तरीके आसान, इतना सारा चीज खाई? अरे बाप रे, पूरा खाई ना? क्यूटी लग रही है रे। आसानू कन्या भोजन में गई थी ना। थैंक यू बोलो। हाँ। सानू को क्लिप मिला, देखे अच्छा से दिखा, लगाएगी ना बाल में? हाँ। अच्छी लगेगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है दसवीं का दिन, मैं नहा सुना के रेडी हो चुकी हूँ। और आज आएगी दीदी मेरी ननद लेट से, बड़ा मजा आएगा। दसवीं का दिन है, घूमने जाएंगे। लेकिन कल इतनी सारी बारिश हो गई थी, पता नहीं पूरा किचकिच हो गया होगा। और आज मैंने बाल धोई है, सूखा भी नहीं है, अभी भींगा ही हुआ है। और अभी सानवी खा रही है दूध, बिस्कुट मैंने इसको दिया है, और डुबू उठा है। और देखिए मेरे यहाँ आज क्या क्या बन रहा है। देखिए ये साग है, ये बनेगा अरबी का सब्जी, अरबी है। और ये बनेगा तरवा, आलू परवल का तरवा। और भात दाल अभी चढ़ा हुआ है, तो अभी मैं गैस पे ही बनाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चूल्हे का भी व्यवस्था है। लेकिन अभी बारिश भी हो रही है ना, तो मम्मी जी भी अभी चूल्हे पे नहीं बना रही है, नहीं तो वो वहाँ पे बनता है। लेकिन मैं आती तो इसी पे बनाती गैस पे, क्योंकि मुझे चूल्हे की आदत नहीं है, तो मुझसे नहीं हो पाता है उतना। सब चीज़ में आदत होता है ना, सब चीज़ का। तो अभी अब बनेगा, हम लोग नहीं खाए अभी, बनेगा तब ना खाएंगे। अभी बज रहा है 9, अरे 8 या 9 बज रहे होंगे। वैसे सब यहाँ 10 बजे ही खाते हैं। और ये सब बना के अब मैं जाऊँगी रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा नहनाई सुनाई सवेरे ही हो जाता है, सब कुछ सवेरे सवेरे हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है और सब काम जल्दी भी हो जाता है एकदम फास्ट में। और वहाँ पे रहती थी तो सब कुछ लेट उठती थी, तो लेट ही सब कुछ होता था। और यहाँ सब कुछ सवेरे ही होता था, अच्छा लगता है। यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आके, कि मतलब कुछ अच्छा अच्छा करने को मतलब होता है। और ये देखिए हमारी दीदी आ चुकी है, तो ये भी 10:30 बजे तक आ चुकी थी, तो हम लोग का खाना भी चढ़ा ही हुआ था। और दीदी ने लाया है ये जयंत्री, वो जो दुर्गा पूजा में जो कलश बैठाते हैं ना, और उसमें जो जौ गेहूँ सबका जो आता है, तो वही जयंत्री है। तो ये जयंत्री दसवीं के दिन सबको लगाया जाता है, ये अच्छा रहता है। यहाँ पे तो कम है इसका चलन, लेकिन उधर पहाड़ साइड में है ना, नेपाल के पूरा पहाड़ साइड में ये दसवीं को ही खूब धूमधाम से मनाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सप्तमी अठमी नौमी सब करते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ दसवीं ही मनाया जाता है। ऐसे टीका लगाया जाता है, एक दूसरे के यहाँ जाया जाता है, बहुत अच्छा होता है उन लोगों को दसवीं के दिन ही। तो अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, जैसे हम लोग को छठ में कैसे होता है सब कुछ नया नया करके, तो वैसे ही उन लोग को दसवीं ही मेन रहता है। तो वहीं पे एक दूसरे के यहाँ जाना, खाना पीना, घूमना फिरना, पतंग उड़ाना, ये सब रहता है दसवीं के दिन ही। तो हम लोग को उतना तो पता नहीं, लेकिन जितना ही पता है उतना ही हम लोग अपना कर लिए हैं। तो यहाँ पे दीदी ने लाया था जयंत्री, क्योंकि वो कलश स्थापित करती है, तो वो करती है। और यहाँ पे बड़े आदमी है ना, छोटे को सब लगाते हैं, जितने भी छोटे आदमी रहते हैं सबको लगाते हैं, और पैसा भी देते हैं। तो ऐसे हम लोगों को तो उतना पता नहीं ऐसे, हम लोग के यहाँ तो पंडित जी आते थे, तो वही मंत्र पढ़ के और लगाते थे। लेकिन यहाँ दीदी आई है, दीदी मंत्र पढ़ के और सबको लगाती है, जितने भी छोटे आदमी हैं सबको। और डुगू को देखिए, वो कितना बदमाशी कर रहा है, वो लगाना नहीं चाहता है, उसको लग रहा है ये क्या हो रहा है। तो ये इसका दूसरा दुर्गा पूजा है, पिछले बार तो वो शायद 7-8 महीने का था, साल भी नहीं उसका पूरा हुआ था, लेकिन इस बार वो 2.5 साल का हो गया है। तो उसको शायद ये अब वीडियो बन जाता है, तो उसको याद भी रहेगा कि ऐसा भी मेरे साथ हुआ था। और डुगू को भी पैसा दिया जा रहा है, देखिए। और सब बड़े जितने भी बड़े होते सब छोटों को लगाते हैं, तो इसके पापा भी हम लोग को लगाए थे। तो इसमें प्रसादी भी चढ़ा जाता है, ये लड्डू उड्डू भी खिलाया जाता है। मुझे तो उतना अच्छा आइडिया नहीं है, मैंने तो सिर्फ
टीवी में ही दिखा है देखा है नेपाल में कैसे मनाया जाता है, उसमें डांस उनसे सब होता है, बहुत अच्छा से मनाया जाता है। और ये देखिए ये भी हम लोग को लगा रहे हैं टीका। तो ये मैंने बोला था ना कि जितने भी बड़े आदमी होते हैं सब लगाते हैं, और ये देखिए ये भी हम लोग को लगा रहे हैं। तो इनको भी उतना अच्छा से नहीं होता क्योंकि इन्होंने भी शायद ये दूसरी बार ही किया है और मैंने भी ये दूसरी बार किया है ऐसा रीति। तो मुझे भी नहीं उतना पता है कि ये कैसे कैसे होता है, लेकिन जितना पता है उतना अच्छा से हम लोगों ने मनाया। और लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत धूमधाम से मनाया और खूब मज़े भी किए इसमें, तो बहुत ही मज़ा आया। दुगु लो खाना खाओ, खाना खाओ। तो हम लोगों ने खा लिया है, दीदी सब भी खा चुकी हैं, हम लोग भी खा चुके हैं। और मैं आपको नहीं दिखा पाई उस टाइम, इतना हवा दबड़ हो जाता है ना, प्लस डुगू भी रोने लगा था। तो भी खा पी के सब हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। सुबह में ही उठी थी, काम सब था, बहुत सारा काम सब रहता है ना, क्योंकि गेस्ट सब कोई आते हैं तो वो काम सब तो हो ही जाता है। प्लस आज घूमने भी जाना है, शाम में जाऊंगी घूमने, आज गांव का मेला देखने जाऊंगी। स्पेशली गांव में जो होता है ना वो मेला, अगल बगल का नहीं गांव में है, तो वहां पे ना आज रावण वध होगा। यहां पे बराबर रावण वध होता है, मतलब यहां पे तो हर साल लगता है, लेकिन पिछले साल नहीं लगा था वो कोरोना की वजह से। उसे पिछले साल तो लगा ही नहीं था, लेकिन पिछले साल नहीं लगा हुआ था, इधर 3 साल से नहीं लग रहा था कोरोना की वजह से, लेकिन इस साल सुन रहे हैं होगा। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है देखने की। तो शाम में चलते हैं और देखते हैं आज गांव का मेला, आप लोग को भी दिखाएंगे कि मेरे गांव का मेला कैसा होता है। तो बने रहिए कंटिन्यू। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार देते रहें।